हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइव में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैटरीना कैफ किसी की प्रेरणा बन चुकी है, यानी कि कैटरीना कैफ जैसा कोई बनना चाहता है और वो कोई और नहीं है, वो है पूनम पांडे। जी हाँ, वैसे तो पूनम पांडे हमेशा चर्चा में रहती है और सुर्खियों में सबसे टॉप पे बनी रहती है, क्योंकि या तो अपने बोल्ड शूट्स को लेकर या फिर अपनी वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो काफी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि मैं कैटरीना कैफ जैसी बनना चाहती हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कैटरीना कैफ जो भी करेगी उसको फॉलो करना चाहती हूँ। वैसे वो ये ऐसा क्यों करना चाहती है, इस चीज को लेकर क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूनम पांडे हमेशा सुर्खियों में रहती है और भी लेटेस्ट वो सुर्खियों में अपने पति की वजह से थी, जिसका नाम सैम बॉम्बे है। जी हाँ, सैम बॉम्बे से अब उनका तलाक हो चुका है और वो उनसे अलग हो चुकी है। लेकिन अब उसके बाद वो खुश तो है, लेकिन उनके मन में यही सवाल है कि मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैंने क्या किया था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की केमिस्ट्री को देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए, मुझे ऐसे ही जीना है। बता दी कि जब सैम बॉम्बे से तलाक हुआ था तो उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था कि ये लोग साथ में रहते थे लेकिन किसी न किसी बात पे इनके आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और फिर एक दिन मारपिट्टी पे बात उतर आई, मारपीट बहुत ज्यादा हुई जिसमें पूनम पांडे की आंखें नीली पड़ गई, शरीर पे काफी घाव थे। इस बात को लेकर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और उसके बाद काफी बवाल हुआ और आखिर में इन्होंने तलाक भी ले लिया। लेकिन अब कैटरीना और विक्की की ये सारी केमिस्ट्री देखकर पूनम पांडे का कहना है कि मैंने अभी सोचा है कि मैं आने वाले टाइम में अकेली ही रहूं, तब तक जब तक मुझे विक्की कौशल जैसा कोई ऐसा हस्बैंड नहीं मिल जाता जो सिर्फ मुझसे प्यार करता हो, जो मेरे लिए सिर्फ इंतजार करता हो। इस तरीके की बातें पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पे भी कही है। साथ ही बता दें कि पूनम पांडे का ये भी कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जो भी फिल्में करूँगी या अपना ड्रेसिंग स्टाइल रखूँगी या फिर अपना A to Z जो भी चीज़ें करूँगी वो एग्जैक्टली कैटरीना कैफ जैसा करूँगी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी कैटरीना कैफ जैसी चाहिए, कैटरीना कैफ जैसा मासूम बनना है और उन्हीं की तरह जीवन साथी भी पाना है। इस तरीके की बातें कह के पूनम पांडे एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने लगी है। लेकिन उस पर व्यूअर्स का यह कहना है, क्योंकि पूनम पांडे का हमेशा से हमने बोल्ड और अलग लुक देखा है और अचानक से उनका ये सॉफ्ट कॉर्नर देखकर काफी तरह के मन में सवाल आ चुके हैं। लेकिन इस पर क्या कहना है आपका, व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।